ये लो। अब तुम ही पढ़ के बता दो कि इस लव लेटर में क्या लिखा है। तुम्हारे नाम 10 लाख रुपए का चेक और बाकी रकम मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। मैं क्या इतना बेगाना हूं सिया? पैसे लौटाने की इतनी क्या जल्दी थी? Come on, राव, वक्त पे तो अपने ही काम आते हैं और अपनों से ही काम आने की उम्मीद कर सकते हैं ना, फिर तुम बेगाने कैसे हुए? Keep this, please. और अब चलो मेरे साथ घर चलते हैं, सबसे मिल लेते हैं और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना दूंगी। ओके। अब खूबसूरत लड़की कॉफी के लिए बुला रही है, मम्मी डैडी से मिलवाना चाहती है। आई डोंट वांट टू मिस दिस चांस। एक मिनट। या कैंसिल ऑल माय अपॉइंटमेंट्स फॉर द डे। यप, क्योंकि मैं अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करने जा रहा हूँ। बहुत हो गया, अभी चलो। नमस्ते आंटी जी। संजय बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे। देखिए मैं किससे लेकर आया हूँ। नमस्कार, आइए बैठिए। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। आइए बैठिए ना प्लीज। देखिए भाई साहब, बहुत रैली हमारी बेटी आप लोगों के घर में, आप तो बस हम उसे लेने आए हैं। इसीलिए मैं बिना बताए एक फैसला करके आई हूँ कि अब बस सिया जल्दी से हमारे घर आ जाए। बहन जी, ये तो बहुत खुशी की बात है और हम भी यही चाहते हैं, लेकिन सिया माने तब ना। अरे उसके माने या ना माने से क्या होता है, मैंने तो फैसला कर लिया है, इसलिए मैं शगुन भी लेकर आई हूँ, बस उसको तो अब मानना ही पड़ेगा। जी अजी, बच्चे तो ना जाने कब तक ना करते रहेंगे, अब तो संजय की नौकरी भी लग गई है, अच्छा भला कमा भी लेता है, अब मैं कब तक इसकी सेवा करती रहूंगी। अब तो बस सिया बेटी हमारे घर आ जाए और इसे संभाल ले, इसीलिए मैं बिना बताए शगुन लेकर आ गई। मैंने सोचा कि अचानक खुशी मिले तो खुशी दुगनी हो जाती है, क्यों? अरे भाई, कहाँ है हमारी बेटी सिया? नमस्ते आजी। खुश रहो बेटा। देखो बेटा, तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं ये लोग। अरे राम, आओ ना। पापा, पहचानिए कौन है? पापा, राम। राम बेटा, कितने सालों के बाद मिले हो, कैसे हो? जी एकदम ठीक, आप कैसे? मैं भी अच्छा हूँ। इनसे मिलिए, ये हैं संजय, सिया के होने वाले पति, और ये हैं संजय की मम्मी और संजय की बहन। नमस्ते। और ये है मेरी इकलौती पत्नी मीनाक्षी। इन्हें तो तुम मिले हो ना। इकलौती? हाँ। नागपुर में तो कोई और थी ना अंकल? और थी। अब जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। उस लड़के का नाम संजय है, संजय दीवान। मुझे इस लड़के की पूरी डिटेल्स चाहिए। अरे तू शादी करके जा रही है, तुम्हारा रास्ता तो साफ हो रहा है। जितना मैं तुमसे कहती हूँ ना उतना करो। शादी के बाद सिया क्या करेगी, कैसे करेगी, इन सब बातों का फैसला मैं करना चाहती हूँ। वैसे सिया, शादी के बाद भी मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बल्कि विश अंकल का सपना पूरा करने में पूरा साथ दूंगा। सिया बेटी, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि संजय जैसा पति तुम्हें मिला है। सिया बेटी, यहाँ आओ मेरे पास बैठो, अपना आंचल आगे करो। ये लो, ये हम लोगों की तरफ से शगुन। बेटे, ये लो बेटे, हमारी तरफ से शगुन। बेटा, करना तो हम लोग बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन क्या करें, आप लोग यूं अचानक आ गए कि
बस अंकल, मेरा शगन बस इतना ही। ये क्या बेटे, लो रख लो। बस अंकल, शगुन में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का ढेर सारा आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रख सकूं। जी तेरा। अंकल, इन्हें देख के लगता है कि मुझे भी शादी कर ही लेनी चाहिए, यू फील सो इंपॉर्टेंट ना। एनीवेज, कांग्रेट्स एंड बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू। बाय द वे सिया, तुम जानती हो कितना लकी हूं मैं तुम्हारे लिए, आते ही तुम्हारी तकदीर बदल दी। बाय। बाय। नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा बस जल्दी से हमारे घर आ जाओ। जल्दी क्या है, हमें भी तो तैयारी का मौका दीजिए। आप भी किए हो। हेलो। हेलो। कौन? लो, पता नहीं चला कौन बोल रहा है। कौन बोल रहा है? अरे भाई, हेलो से पता चल जाना चाहिए कौन बोल रहा है। साफ साफ बताइए आप कौन हैं। अरे पहले तो तुम ट्यूबलाइट थी, अब मोमबत्ती हो गई हो। मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। कौन? ओफो, एक ही तो बहन है तुम्हारी, उसे भी भूल गई। तितली? हाँ, बत्ती जली तो। इतने अरसे के बाद फोन किया तुमने। अरे निकिता, पंजाबी फिल्में करके मैं थक चुकी हूँ। अवार्ड शॉर्ट भी ले लिए मैंने। और ये ट्रेंड शेंड चल रहा है ना कि हीरोइन जब रिटायर हो जाती है तो प्रोड्यूसर बन जाती है, तो मैं भी एक फिल्म प्रोड्यूस करने मुंबई आ रही हूँ। अच्छा, यहीं आ रही हो ना तुम? हाँ हाँ निकिता, मैं तुम्हारे घर ही आऊंगी। अरे भाई, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने, और कहाँ जाऊंगी मैं। क्रोर्स? तुम्हें एड्रेस तो पता है ना तितली? हाँ हाँ, मुझे एड्रेस पता है। और तू एक बात सुन, शाहरुख से मैंने बात कर ली है डेट्स की, अब तू सलमान से बात कर लेना। हाँ क्या? अरे चल छोड़, मैं तो भाई भूल ही गई थी, तू क्या बात करेगी, मैं ही आके बात कर लेती हूँ, वो मेरा फ्रेंड है ना। अच्छा चल बाय। ओके सी यू। बाय। तितली, फिल्म प्रोड्यूसर, इन्वेस्टिंग क्रोर्स, बड़ी तरक्की कर ली तुमने। ये हरी वाली साड़ी कितनी सुंदर है, देखिए इसका बॉर्डर कितना अच्छा है। देखा भी नहीं और ऐसे यहाँ कह दिया। अरे मीनाक्षी, मुझे इन सब चीजों की कहाँ पहचान है। बेटी की शादी करने जा रहे हैं और इन चीजों की समझ नहीं रखते आप। आओ सी आओ बेटी, साड़ी वाले से तुम्हारी माँ इतनी सारी साड़ियाँ लेकर आई हैं और ताने मुझे मार रही हैं। मामा ये सब क्या है? ले, अपने पापा की तरह बोल रही है तू, घर में शादी है, तैयारियां नहीं होंगी। मामा, इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने संजय से बात कर ली है, हम शादी एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। अरे ऐसे कैसे सिंपल करेंगे? माँ बाप के लिए कुछ पल ऐसे होते हैं जो दोबारा नहीं आते, जिन पलों के लिए उनके कुछ अरमान होते हैं, फर्ज होते हैं, और उन अरमानों को, फर्ज को पूरे किए बिना मुक्ति नहीं मिलती। पर बेटा, कन्यादान का मौका तो भगवान किस्मत वालों को ही देता है, ये दहेज स्त्री धन होता है। आई डोंट बिलीव इन दिस मामा। और ये कैसा रिवाज है कि माँ बाप अपने बेटी की शादी करके उसे अपने ही घर से विदा करते हैं? मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटे, लड़की वाले बेटी को विदा नहीं करते बल्कि उनका कन्यादान करते हैं। लड़की जो घर की लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा है, सब कुछ है, और अपना सब कुछ दान देना ही सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। बेटी, बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मुझे वो दान का पुण्य कमाने का मौका दोगी ना तुम? हाँ पापा। और इसीलिए बेटी, इस बारे में मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी माँ के साथ। अब
वैसे पर्सनली मुझे ये वाली साड़ी बहुत पसंद है। आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, सिया की शादी के लिए कपड़े सेलेक्ट करने हैं। तो फिर मुझे बुलाने दी थी, आज जरूरत है थुदी से लेतल देते। कैसी बातें कर रही हो नंदिनी? सही तैली हूँ मैं, अगर शदुन हमारे बिना हो सकता है तो फिर शादी क्यों नहीं? नंदिनी ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो वो लोग अचानक आ गए, हमें तो रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। और ये तो अच्छी बात है कि वो लोग फॉर्मल नहीं है, हमें तो सिया के लिए खुश होना चाहिए। हम तेसी तो खुशियां मनाने से तहां लोटले हैं, हमें तो बस इस धल में सिर्फ सिया के लिए खुश होना चाहिए, लेकिन हमारी खुशी का किसी तो कोई ख्याल नहीं। यश भी यही तैले थे, हम इस शादी में शामिल नहीं होंगे। मामा, भाभी थोड़ी सी नाराज है, मान जाएगी? ये लीजिए चाय। अरे निकिता जी, आप आपने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ की कौन सी बात है मिस्टर प्रधान? मैंने सोचा सिया कुछ दिनों की मेहमान है इस घर में, तो मैं भी उसकी थोड़ी सेवा कर लूं। और कहते हैं ना, लड़की की शादी पे तो दुश्मनों को भी हाथ बटाना पड़ता है। और वैसे मेरी और सिया की ऐसी कौन सी दुश्मनी? क्यों सिया, और कोई भी काम हो तो जरूर बताइएगा। जी तो तुम क्या कह रही थी मीनाक्षी? निकिता जी को तो आप जानते ही हैं, यश और नंदिनी भी हमसे नाराज है, आदित्य का कुछ पता ही नहीं। बस सिया की शादी ठीक से हो जाए यही चाहती हूँ मैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मीनाक्षी, जिन्हें शादी में होना चाहिए वो तो है ना, हमारे गणपति पप्पा, उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आया तेरी बहन छोटी सी बेबी के पास, ढूंढ 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 पेट में घुस गया, इसके पेट में घुस गया तेरी बहन, पकड़ो अपनी तेरी बहन को, तैयारी करो। हाँ, ओ माय गॉड, नहीं नहीं मुंह में नहीं डालते, मुंह में नहीं डालते, मैं दूसरी डॉल देता हूँ, ये देखो कितनी सुंदर डॉल है, वाओ। डॉल को मुंह में नहीं डालते, पारे बच्चे नहीं डालते। आतिश इस बच्चे के साथ खेल रहा है जिसे वो देखना भी नहीं चाहता था। ओह, तो मेरा प्लान कामयाब हो गया, यही मौका है अपनी बात करने का। आतिश, वो मैं प्यारा बच्चा है। और जानते हो बहुत लकी भी है। लकी? हाँ, इसके आते ही मेरा लकी ड्रॉ निकला है, लकी ड्रॉ में सिंगापुर की 2 रिटर्न टिकट्स। आतिश हम कब चलेंगे? मुझे किसी ट्रिप पर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, इतने दिनों बाद तो मौका मिला है। मैंने कह दिया ना मुझे कहीं नहीं जाना है सोनिया। चलो ना आतिश, इमेजिन सिंगापुर सिर्फ तुम और मैं, कितना मजा आएगा, चलो ना। सोनिया, मैंने कह दिया ना मुझे कहीं नहीं जाना है, ये बात फ्री टिकट्स की नहीं है। अगर मैं चाहता तो ऐसे कई सारे ट्रिप्स पर जा सकता था, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, यू अंडरस्टैंड दैट? तुम्हें जाना है तो तुम अकेले जाओ। जाना तो तुम्हें पड़ेगा आतिश, और फिर जब आतिश भैया मीनल के कमरे से बाहर निकले तब उन्हें देख के ऐसे लग रहा था जैसे जैसे उनकी आंखों में सदियों का गम हो। जब वो मेरे पास आए और मुझसे बात करने लगे तब पता है, अरे मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम सुन रहे हो ना?
क्या बोलूं सिया, यह कि जब तुम सामने होते हो मैं कुछ सुन नहीं पाता, जब तुम बोलती हो मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनता हूं, तुम्हें देखने के बाद मुझे और कुछ नजर नहीं आता। सिया, इतना सब कुछ होने पर भी अब जब हमारी शादी होने वाली है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे पास होने पर भी मेरे साथ नहीं हो? संजय, मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी तो कह रही थी शादी को थोड़ा पोस्टपोन कर लो, मेरे सर पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारी हर जिम्मेदारी में मैं तुम्हारे साथ हूं सिया, तुम सिर्फ मेरे करीब रहो, बिल्कुल करीब। सिया, बहुत दिनों से तुमने मुझसे एक बात नहीं कही। कौन सी बात? आई लव यू। कहो ना सिया, प्लीज कह दो ना सिया। नहीं कहूंगी और शादी से पहले मिलूंगी भी नहीं। हाँ। Love you so much. Hello. Hi. ये हंसती हुई आवाज सुनने को तो तरस गए थे हम। कौन बोल रहे हैं? आपके कदरदान है हुजूर। What nonsense, फोन रखिए। हम तो फोन नहीं रखेंगे। Then go to hell. जा 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 जा। अब राम बोल रहा हूँ यार। राम तुम? ऐसे क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? अब परेशान किया तभी तो पता चला कि किसी बेचारे आशिक को आपसे अपने प्यार का इजहार करने की गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी शादी जो होने वाली है। अरे हाँ, शादी से याद आया, कुछ हमारे लिए काम हो तो बताना। तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी मैं। वैसे मैं आज सोच ही रही थी तुम्हारे ऑफिस आ जाऊं और हम दोनों शॉपिंग चले जाएं। आई डोंट बिलीव दिस। ऊपर वाला इतना मेहरबान हो गया कि आपने इस काम के लिए मुझे चुना। मैं बस अभी पहुंच रहा हूं। अभी नहीं, अभी नहीं। शोफर बन के ही आ जाने दो। आने दो ना यार, फिर कहां मौका मिलेगा। एक बार तुम्हारी शादी हो गई ना फिर तो तुम मुझे याद भी नहीं करोगी। वाह वाह, जैसे पहले बहुत याद करते थे मुझे। कितने सालों के बाद मिले और वो भी अचानक। हाँ, एनीवे अभी मत आना। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ। नहीं राम, राम नहीं, नहीं तुम नहीं आओगे। ओके, मैं फोन रख रही हूँ, बाय। मैं आ गया, शॉपिंग करने चले। राम, राम तुम भी ना। वैसे संजय भी यही है, मैं अभी उसे बुला के लाती हूँ।